Hello friends, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am with new video on vitamins. यहाँ मैं vitamins, इसके types, function, resources, इसकी deficiency, toxicity आदि के बारे में आपको बताऊँगी. So vitamins क्या होते हैं? A vitamin is an organic compound required as a nutrient in tiny amounts for the maintenance and growth of a living organism. किसी भी living organism की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उसे विटामिन बोलते हैं, जिसकी कि बहुत ही कम अमाउंट में उसकी नीड होती है. इसीलिए विटामिन्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं. और किसी भी स्पेसिफिक विटामिन की कमी से कोई स्पेसिफिक डिजीज या सिम्टम्स जब होते हैं देन उसको विटामिन डिफिशेंसी बोलते हैं. अब जैसे कि विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है. तो इस तरीके से किसी स्पेसिफिक विटामिन की कमी से केवल कोई स्पेसिफिक डिजीज या सिम्टम्स होते हैं जिसको कि उसी विटामिन से क्योर किया जा सकता है. फंक के द्वारा विटामिन टर्म को डिस्कवर किया गया. सब पहली बार उन्होंने वाइटामिन टर्म दिया जो कि वाइटा और अमाइन से मिलकर के बना हुआ है. उस टाइम पर उन्होंने अमाइंस को कि जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया. उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए और उन रिसर्चर्स ने ये सस्पेक्ट किया कि सभी विटामिन्स में अमाइन कंपोनेंट नहीं होता है, पर्टिकुलरली विटामिन ए में. हालांकि ये बाद में पाया गया कि जितने भी विटामिन्स हैं वो सभी नाइट्रोजन या फिर अमाइंस कंटेन नहीं करते हैं. 1920 में ड्रमंड ने प्रपोज किया कि वाइटामाइन में जो ई लेटर है उसको ड्रॉप कर दिया जाए. इस वजह से वाइटामाइन में जब ई को रिमूव कर दिया गया देन उसको वाइटामिन्स कहने लगे. ये जो विटामिन होता है ये इसमें कोई किलो कैलोरी नहीं होती है बल्कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. अब है कि विटामिन्स के टाइप्स, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन. अब इनको भी इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर डिवाइड किया गया है. जैसे कि जो ऑयल या फिर लिपिड में सॉल्युबल विटामिन होते हैं उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन्स बोलते हैं और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बोलते हैं. फैट सॉल्युबल विटामिन चार तरह के होते हैं, विटामिन ए डी ई एंड के. और वाटर सॉल्युबल विटामिन इनके सोर्सेज के आधार पर इन्हें बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है. विटामिन डी को भी फर्दर दो में डिवाइड किया गया और विटामिन के को भी फर्दर दो में डिवाइड किया गया है. जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं उनको उनकी स्टेबिलिटी के आधार पर थर्मोलेवाइल और थर्मोस्टेबल में डिवाइड किया गया है. थर्मोलेवाइल वो होते हैं जो कि हीट के कांटेक्ट में आने पर जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन B1. और थर्मोस्टेबल वो होते हैं जो कि हीट के कांटेक्ट में आने में कम डिस्ट्रॉय होते हैं या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जैसे कि विटामिन B2, B5, B6, B12, नियासिन, फॉलिक एसिड और बायोटिन. नियासिन को भी दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि निकोटिनामाइड और निकोटिनिक एसिड. निकोटिनामाइड को नियासिनामाइड भी बोलते हैं. अब देखते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन में डिफरेंस क्या है. वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन पहले लिम्फ में होता है देन ब्लड में होता है. वाटर सॉल्युबल विटामिन फ्रीली ट्रेवल करता रहता है, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन को प्रोटीन कैरियर की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए. वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में जो भी वाटर फिल्ड पार्ट्स हैं वहाँ पर फ्रीली वो सर्कुलेट होता रहता है, वहाँ पर स्टोर होता है वो. और फैट सॉल्युबल विटामिन जो हमारे फैट एसोसिएटेड सेल्स हैं वहाँ पर स्टोर होता है. वाटर सॉल्युबल विटामिन को किडनी डिटेक्ट करता है और जो एक्स्ट्रा विटामिन्स होते हैं उनको वो यूरिन में रिमूव कर देता है, जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी से बहुत ही कम एक्सक्रीट होते हैं. ये फैट स्टोरेज साइट्स में स्टोर रहते हैं. वाटर सॉल्युबल विटामिन की जो अगर हम
अधिक अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उससे अधिक सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, देन ये पॉसिबल है कि वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर उसको भी हम रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा लेते हैं सप्लीमेंट्स, देन वो भी लाइकली हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन की जो फ्रिक्वेंटली हमें ज़रूरत पड़ती है उनकी डोजेस की, जैसे कि 1 से 3 दिन में, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो पीरियोडिकली डोजेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि वीकली या फिर मंथली। तो ये है डिफरेंस वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन में। अब कुछ मिसकॉन्सेप्शन है विटामिन्स के बारे में, जैसे कि आप अगर अधिक विटामिन्स लेते हो तो बहुत अच्छा होता है, बट जो फर्स्ट ग्राफ शो कर रहा है यहाँ पर कि अगर आप अधिक विटामिन ले रहे हो तो ये अच्छा हो सकता है, बट ये रियल लाइफ में कभी कभी होता है। जो सेकंड ग्राफ है वो शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप विटामिन सप्लीमेंट लेते जाते हो वैसे ये जब ये मैक्सिमम रेंज पर पहुँचता है देन एक प्लेटो फॉर्म में आ जाता है। मीन्स कि आप अगर अधिक विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हो देन वो जो उसकी हायर डोजेज हैं वो आपके लिए बेटर नहीं होती हैं। जब एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती हैं तो वो आपके लिए बेटर नहीं होता है। थर्ड ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप विटामिन्स लेते जाते हो अधिक अमाउंट में, जब एक इंटरमीडिएट डोज पर आप पहुंचते हो तो वो जो है आपके लिए ऑप्टिमम लेवल होता है, मतलब जितनी की आपको ज़रूरत होती है। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो उसके बाद अगर आप लेते हो हाई डोजेस देन वो डिक्लाइन करने लगता है, मीन्स वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। इसलिए बहुत अधिक विटामिन लेना भी हार्मफुल होता है और बहुत कम लेने से डेफिशिएंसी हो सकती है। अब है फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई एंड के। अब फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? जो लिपिड और ऑयल में सॉल्युबल होते हैं उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन्स बोलते हैं। अब जब हम अधिक अमाउंट में फैट सॉल्युबल विटामिन्स लेते हैं देन ये हमारे बॉडी में एक्युमुलेट हो जाता है, जिसे कि हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं। और ये किस कारण से होता है? क्योंकि ये इनका जो एलिमिनेशन रेट है वो कम होता है, जिसके कारण ये हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होने लगते हैं और ये टॉक्सिक इफेक्ट छोड़ते हैं, ये मतलब टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है वो फैटी टिश्यूज जैसे कि एडिपोज टिश्यू में और लीवर में स्टोर होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी से बहुत ही स्लोली एलिमिनेट होते हैं। इसका रीज़न है कि ये लाइपोफिलिक कैरेक्टर के होते हैं, इस वजह से ये बहुत स्लोली हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। अब है फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेचर और प्रॉपर्टी, इसका जो नेचुरल फॉर्म होता है उसमें A1 है जिसको कि रेटिनॉल बोलते हैं, A2 जिसे कि 3-hydroxyretinol बोलते हैं। इसका एक्टिव फॉर्म है रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। जो ये तीनों विटामिन्स हैं, विटामिन ए हैं, इनको प्री फॉर्म विटामिन ए भी बोलते हैं। और प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटीन है जिसे कि प्रिकर्सर भी बोलते हैं। और इसका स्टोरेज लिवर और एडिपोज टिश्यू में होता है। इसके स्ट्रक्चर हैं रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड के। अब है विटामिन ए इज अ फैमिली ऑफ फैट सॉल्युबल रेटिनॉइड्स। फर्स्ट है रेटिनॉल जो कि एनुअल फूड में पाया जाता है और हमारे बॉडी में स्टोर होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन। रेटिनल और रेटिनोइक एसिड ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। रेटिनल का मेन फंक्शन होता है विजन का और रेटिनोइक एसिड का होता है ग्रोथ को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। अब आता है विटामिन ए के सोर्स। विटामिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फूड्स, मींस कि जो विटामिन्स है आप जितने जितने अलग अलग तरीके के फूड्स लोगे आपको उतने ही विटामिन्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। अब आता है विटामिन ए में जो रेटिनॉल होता है वो मेनली एनिमल फूड से मिलता है, जैसे कि लिवर, एग्स, बटर, चीज़, होल मिल्क, फिश एंड मीट। और जो फिश लिवर ऑयल होता है वो रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ रेटिनॉल होता है। बीटा कैरोटीन प्लांट फूड से मिलता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, अमरंथ, मोस्ट ग्रीन एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे कि पपाया, मैंगो, पम्पकिन और रूट्स में
कैरेट से मिलता है। और कुछ फूड्स को विटामिन ए से फोर्टिफाइड किया जाता है, जैसे कि वनस्पति, मार्गरिन और मिल्क। ये हैं विटामिन ए के सोर्सेज। अब आता है विटामिन ए का फंक्शन। पहला तो है ये कि नॉर्मल विजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और है कि ये जो हमारे इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे स्किन और आईज़ हैं, इनकी जो सरफेस एरिया होती है, जिनकी लाइनिंग होती है, जो कि ग्लैंडुलर और एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है, इन टिश्यूज़ की इंटीग्रिटी और नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने में विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ ये स्केलेटल ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि बोन्स डेवलपमेंट में। अब जो रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है, वो एक स्टेरॉयड हार्मोन की तरह काम करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस से क्या होता है, सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में ये हेल्प करता है। इस तरीके से ये विटामिन ए सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उस सिस्टम को मेंटेन करने में के लिए भी विटामिन ए की बहुत आवश्यकता होती है। कैरोटीनॉइड्स एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और ये मोस्ट ऑफ द कैंसर के रिस्क को कम करता है। और इसके साथ ये जो एपिथेलियल कैंसर होते हैं, उनके अगेंस्ट में भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं कि विजन में विटामिन ए किस तरीके से हेल्प करता है। जब हमारे आईज पर लाइट पड़ती है, देन जो हमारी रेटिना की सेल्स हैं, आईज में की जो रेटिना है, उसकी जो सेल्स हैं, उनमें पिगमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से हमको दिखाई देता है। अब देखते हैं कैसे होता है ये। द सेल्स ऑफ द रेटिना कंटेन्स रोडोप्सिन, अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन, अ प्रोटीन एंड सिस रेटिनॉल विटामिन ए। मींस जो हमारी रेटिना की सेल्स हैं, उसमें रोडोप्सिन होता है, और जो रोडोप्सिन है वो ऑप्सिन, एक प्रोटीन, और सिस रेटिनॉल जो कि विटामिन ए है, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। अब जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमारी सेल्स में जो रोडोप्सिन है, जो कि रेटिनॉल और ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, तो जो रेटिनल है वो सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ये क्या करता है, जो हमारी आँखों की रेटिना की नर्व सेल्स हैं, उनको ट्रिगर कर देता है, मींस उनको एक्टिवेट करता है। तो वो क्या करती हैं, वो नर्व सेल्स जाती हैं, वो जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक लेकर जाती हैं, और इस तरीके से हमको दिखाई देता है। अब है कि विटामिन ए प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिफरेंशिएशन में कैसे काम करता है। अब इसे यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं, जिसमें कि दिखाया गया है गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं। अब ये हेल्दी सेल्स हैं, हेल्दी मेम्ब्रेन है। विटामिन ए मेंटेन्स हेल्दी सेल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हेल्दी सेल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो दूसरा फिगर है, उसमें दिखाया गया है कि विदाउट विटामिन ए द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन आर इम्पेयर्ड। मीन्स जब विटामिन ए की कमी होती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सेल्स हैं, उनका जो फंक्शन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो कि हेल्दी होता है, बट विटामिन ए की कमी से वो इम्पेयर हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब है कि विटामिन ए की डिफिशेंसी से क्या क्या होता है, तो दो हैं इसमें, एक एक्स्ट्रा ऑकुलर और दूसरा है ऑकुलर। ऑकुलर में नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जीरोसिस, बाइटॉट्स स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, केराटोमलेसिया आता है, जो कि आपके आँखों से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा ऑकुलर में मीन्स आँखों के अलावा जो प्रॉब्लम होती है इसे, जैसे कि फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, एनोरॉक्सिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। अब है ऑकुलर में नाइट ब्लाइंडनेस, लैक ऑफ विटामिन ए फर्स्ट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। वह सबसे पहले क्या होता है, जब विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इनमें क्या होता है कि डिम लाइट में कम दिखाई पड़ता है, और ये किस कारण से होता है, क्योंकि डार्क एडेप्टेशन में इम्पेयरमेंट हो जाता है,
जैसे कि नॉर्मल हमारी आइज़ होती है, हमें विटामिन ए की जब कमी नहीं होती है तो क्या होता है कि जब भी हम लाइट से डार्क में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हमें अंधेरा लगता है, बट उसके बाद में हमें नॉर्मल हो जाता है, हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो आँखें हैं वो डार्कनेस को अडॉप्ट कर लेती हैं। बट जब विटामिन ए की कमी होती आती है तो ये एडेप्टेशन जो होता है उनमें इम्पेयरमेंट आ जाता है, जिसके कारण डिम लाइट में कम दिखाई देता है। द कंडीशन मे गेट वर्स इफ विटामिन ए इज़ नॉट टेकन। और ये कंडीशन और भी बुरी हो जाती है जब अगर विटामिन ए नहीं लिया जाता है, स्पेशली इफ़ दे सफ़र फ्रॉम डायरिया एंड अदर इन्फेक्शन। मीन्स कि अगर उस पर्सन को डायरिया या फिर कोई इन्फेक्शन है, उसे सफ़र कर रहा है, उस टाइम पर अगर विटामिन ए भी नहीं लिया जा रहा है, देन ये कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। यहाँ पर ये पिक्चर दिखाया गया है जिसमें कि जो लेफ्ट साइड में है वो नाइट ब्लाइंडनेस के कारण कैसा दिख रहा है, और जो नॉर्मल साइट है वो राइट साइड में दिखाई जा रही है। अब सेकंड है कंजक्टिवल जीरोसिस। इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ वाइटामिन ए डेफिशिएंसी। अब ये कंजक्टिवल जीरोसिस में क्या होता है, जो कि वाइटामिन ए डेफिशिएंसी का फर्स्ट साइन होता है, जो कि आप देख करके जान सकते हैं कि वाइटामिन ए की कमी हो रही है। द कंजक्टिवा बिकम्स ड्राई एंड नॉन वेटेबल। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हो, राइट साइड में सबसे नीचे दिखाया गया है कि कंजक्टिवा, जो हमारे आंखों का वाइट पार्ट है, वो कंजक्टिवा होता है, जो कि ड्राई हो जाता है, नॉन वेटेबल होता है, मीन्स सूखने लगता है। नॉर्मली वो शाइनी होता है और स्मूथ होता है, बट जब ये वाइटामिन ए की कमी होती है, देन जो हमारा कंजक्टिवा है वो मडी और रिंकल्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, वो शाइनी और स्मूथ नहीं रह जाता है। तीसरा है बाइटॉट्स स्पॉट। दे आर ट्रैंगुलर प्योरली वाइट और येलोइश फोमी स्पॉट्स ऑन द बल्बर कंजक्टिवा ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉर्निया। आप इसमें पिक में आप देख सकते हो कि कॉर्निया के एक साइड में कंजक्टिवा पर एक वाइट या फिर येलोइश कलर का ट्रायंगुलर शेप में एक स्पॉट है, जिसे कि बाइटॉट स्पॉट बोलते हैं। ये यूजुअली बाइलेटरल होता है और यंग चिल्ड्रन में ये विटामिन ए डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, और जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं उनमें किसी अदर डिजीज़ के कारण भी ये हो सकता है। अब है कॉर्नियल जीरोसिस। द कॉर्निया अपियर्स डल, ड्राई एंड नॉन वेटेबल एंड इवेंचुअली ओपेक। दिस स्टेज इज वेरी सीरियस। अब कंजक्टिवा आपने देखा है, इस फिगर में आप देखिए कंजक्टिवा जो कि वाइट पार्ट है, उसके बाद जो दिखाई दे रहा है ब्लैक के जस्ट ऊपर, वो कॉर्निया है। जब पहले तो कंजक्टिवा ड्राई होता है, देन उसके बाद क्या होता है, कॉर्निया आपकी डल और ड्राई होने लगती है और इवेंचुअली ओपेक हो जाती है। नॉर्मली आपकी क्या होती है, शाइनी होती है, स्मूथ होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, बट जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है और इस स्टेज में पहुंचते हैं, देन कॉर्निया जो ओपेक हो जाती है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहती है और ड्राई और डल होती है। ये स्टेज बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। इन मोर सीवियर डेफिशिएंसी देयर मे बी कॉर्नियल अल्सरेशन। अधिकतर सीवियर डेफिशिएंसी में इस ये जो है कॉर्नियल अल्सरेशन कॉज करता है। मीन्स जब विटामिन ए की सीवियर डेफिशिएंसी होती है, देन जो कॉर्निया डल और ड्राई है उसमें अल्सर का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ये जो अल्सर है वो हील तो हो सकता है, बट ये कि कॉर्नियल स्कार छोड़ जाता है जो कि विजन को अफेक्ट कर सकता है। ये फिगर में आप देख सकते हो कॉर्नियल जीरोसिस विद कॉर्नियल अल्सर, ये अल्सर है और ये ठीक होने के बाद में जो स्कार छोड़ दिया है। अब है केराटोमलेशिया। इट इज़ द लिक्विफैक्शन ऑफ द कॉर्निया। दिस इज एन मेडिकल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया होती है वो लिक्विफाइड होने लगती है, और ये ही बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है, इसमें मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, कॉर्निया का एक पार्ट या फिर पूरी कॉर्निया सॉफ्ट हो जाती है, और जैसे कि ओपन करने पर बस्ट हो जाएगी, इस तरीके की
वो दिखने लगती है। ये प्रोसेस बहुत ही रैपिड होता है और एंड इफ़ द आई कोलैप्स विजन इज़ लॉस्ट, और अगर आई कोलैप्स कर जाती हैं देन विजन पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है। अब है जीरोप्थैल्मिया, जिसका मतलब है कि ड्राई आई। इट रिफर्स टू ऑल द ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। जीरोप्थैल्मिया का मतलब है विटामिन ए डेफिशिएंसी के अंदर जितनी भी ऑकुलर प्रॉब्लम आ रही हैं उन सबको ये इंक्लूड करता है। इट इज़ अ सीरियस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्ट एशिया। मीन्स ये साउथ ईस्ट एशिया में एक सीरियस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो कि ब्लाइंडनेस कॉज करता है, और ये मेनली 1 से 3 साल के बच्चों में कॉमनली पाया जाता है, जो कि वीनिंग से रिलेटेड होता है। वीनिंग क्या है? जब बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं देन 6 मंथ से कहा जाता है कि उनको वीनिंग फूड दिया जाए, मीन्स उनको माँ के दूध के अलावा, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उनको वीनिंग फूड देना होता है। जैसे कि आप लिक्विड, सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड से, आप लिक्विड से स्टार्ट करते हो पहले बच्चे को, देन सेमी सॉलिड देते हो, फिर सॉलिड देते हो। तो मीन्स उन्हें माँ के दूध के अलावा भी और भी चीज़ें देनी पड़ती हैं, क्योंकि जब बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं उस टाइम पर उनका सिर्फ माँ के दूध से उनका पेट नहीं भरता, उनका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता है, इसलिए उन्हें माँ के दूध के अलावा और अलग से भी फूड्स देने होने होते हैं। इसी प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं। तो अक्सर वीनिंग टाइम में या तो आपने वीनिंग पहले स्टार्ट कर दी, 6 मंथ से पहले स्टार्ट हो जाती है तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अगर आपने लेट में स्टार्ट की, मीन्स 6 मंथ के बाद अगर आप वीनिंग स्टार्ट करते हो, तो वो भी बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। तो अक्सर ये वीनिंग से रिलेटेड होता है। अगर आप प्रॉपर वीनिंग देते हो देन हो सकता है कि जीरोप्थैल्मिया बच्चे को ना हो। इट इज एसोसिएटेड विद PEM। PEM का मतलब है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। मीन्स ये जो है PEM से एसोसिएटेड होता है। यदि बच्चे में प्रोटीन और एनर्जी की कमी से जब उसे प्रॉब्लम होती है, वो कुपोषित होता है, देन जीरोप्थैल्मिया भी कॉज कर सकता है। एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड इग्नोरेंस, फॉल्टी फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड इन्फेक्शंस, जैसे कि डायरिया एंड मेजल्स। मीन्स इग्नोरेंस, फॉल्टी फीडिंग हैबिट्स, गलत खिलाने का तरीका है, आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर कोई इन्फेक्शन है जैसे कि डायरिया और मेजल्स है, ये सारी रिस्क फैक्टर हैं जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी को और बढ़ावा देते हैं। और कुछ जैसे स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा, जो स्टेट हैं जो कि इससे बैडली अफेक्टेड हैं। रेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैव लेसर केसेस ऑफ जीरोप्थैल्मिया। मीन्स ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट हैं उनमें ये जीरोप्थैल्मिया केसेस कम पाए जाते हैं। अब है एक्स्ट्रा ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस, कंसिस्ट ऑफ फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, अनारोक्सिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। जो ये पिक दी गई है राइट साइड में नीचे, उसमें आप देख सकते हो कि हाइपरकेराटोसिस क्या होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे दाने जैसे लगते हैं जो कि आप ये हो जाते हैं बॉडी पर, जिसको कि फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस बोलते हैं। एनोरेक्सिया का मतलब है कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, भूख कम लगती है और जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो इसकी कमी से ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इवन माइल्ड विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज एन इंक्रीज इन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टैलिटी ड्यू टू रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। यहाँ तक कि अगर माइल्ड विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण मॉर्बिडिटी और मॉर्टैलिटी भी इंक्रीज कर सकता है। मींस मॉर्बिडिटी का मतलब है कि बच्चे को रोग हो सकता है, मॉर्टैलिटी का मतलब है कि वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर माइल्ड डिफिशेंसी भी होती है तो ये भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब है ट्रीटमेंट, विटामिन डेफिशिएंसी शुड बी ट्रीटेड अर्जेंटली, इसको अर्जेंटली ट्रीट करना चाहिए। नियरली ऑल द अर्ली स्टेजेस ऑफ जीरोप्थैल्मिया कैन बी रिवर्स्ड। मीन्स कि जीरोप्थैल्मिया को अगर अर्ली स्टेज पर इसको ट्रीट कर दिया गया
तो ये जो है रिवर्स हो सकता है, सही हो सकता है। कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसिव डोज ऑफ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 110 mg ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट ओरली और 2 सक्सेसिव डेज, मीन्स 2 कंटिन्यू लगातार 2 दिन, अगर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसकी रेटिनॉल की मैसिव डोज दी जाती है, देन बच्चे को अगर अर्ली स्टेज है तो उसको सही किया जा सकता है। ऑल चिल्ड्रन विद कॉर्नियल अल्सर आर गिवन विटामिन ए वेदर और नॉट अ डेफिशिएंसी इज सस्पेक्टेड, मीन्स बच्चे को अगर कॉर्नियल अल्सर है और अगर वो उसका उसको टेस्ट किया गया, उसको देखा गया और ये नहीं पाया गया कि विटामिन डेफिशिएंसी है या नहीं है, जबकि विटामिन डेफिशिएंसी के कारण ही ये होता है, तो अगर उसमें चाहे वो सस्पेक्टेड हो या फिर ना हो, लेकिन सभी बच्चों को विटामिन ए देना जरूरी होता है। अब भी टाइमिंग दी गई है कि डोजेस कब कब देनी है, जैसे कि इमिडिएटली ऑन डायग्नोसिस, जब डायग्नोस किया जाता है बच्चे को तो तुरंत जो है, अगर वो लेस देन 6 मंथ का है देन 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देनी होती है, अगर 6 से 12 महीने का है देन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, अगर 1 साल से ऊपर का है देन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये इमिडिएटली देना होता है। और नेक्स्ट डे दूसरे दिन फिर यही सारी डोजेज देनी होती हैं एज के अकॉर्डिंग, और एटलीस्ट 2 वीक्स लेटर और कम से कम 2 हफ्ते बाद फिर यही डोजेज देनी होती हैं अकॉर्डिंग टू एज। अब है इसको कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें भी 3 है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप विटामिन ए की लार्ज डोजेस, अधिक डोज को दे करके कर सकते हो सही। मीडियम टर्म में क्या है, फूड को फोर्टिफाइड, विटामिन ए से फोर्टिफाइड करके सही किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या है कि जो भी अकुलर डिजीजेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर हैं उनको कम करके या फिर उनको ख़त्म करके जो है इसको प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म में क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि टू कंज्यूम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अदर विटामिन ए रिच फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल या विटामिन ए रिच फूड आप ले सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करके और इन्वायरमेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला करके, जैसे कि सेफ और एडिक्वेट वाटर सप्लाई के साथ, सैनिटरी लेटरिंग को मेंटेन करके जो कि आपको डायरिया से बचाता है, इम्यूनाइजेशन के थ्रू जो कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि मेजल्स हैं या फिर जो डायरिया है, अदर इन्फेक्शन है, उनको उनके अगेंस्ट खुद को इम्यूनाइज करके, मतलब बच्चे को इम्यूनाइजेशन दे करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, और जो इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन हैं उनको बेटर फीड करके, फीडिंग के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और जो मदर्स और चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको और इम्प्रूव करके, और सोशल और हेल्थ एजुकेशन के थ्रू इसको प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है। 1970 में एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था इस डिफिशेंसी से लड़ने के लिए, एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था जिसको कि कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, मतलब ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एक नेशनल प्रोग्राम 1970 में चलाया गया था। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ RCH प्रोग्राम, नाउ अ पार्ट ऑफ NRHM, इट कवर्स चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज। विटामिन ए सप्लीमेंट जो दिया जाता है वो जो है RCH प्रोग्राम है उसी का, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि ये प्रेजेंट टाइम पर उसको NRHM हो गया है, ये NRHM का एक पार्ट हो गया है और ये 5 साल तक के बच्चों को कवर करता है। अभी जो प्रोग्राम है वो उसमें क्या क्या फोकस किया जाता है, उसमें है कि प्रमोटिंग कंजप्शन ऑफ विटामिन ए रिच फूड बाय प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड बाय चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज एंड अप्रोप्रिएट ब्रेस्ट फीडिंग, वही बताया कि जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो उसी को प्रोग्राम में फोकस किया जाता है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन हैं और 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वाइटामिन ए रिच फूड दे करके उनके कंजप्शन को प्रमोट करके ब्रेस्ट फीडिंग,
को प्रमोट करके और विटामिन ए की मैसिव डोजेस को दे करके, जैसे कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो पहली डोज दी जाती है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, वो उसको मेजल्स वैक्सीनेशन के साथ दिया जाता है 9 महीने पर। जो दूसरी डोज है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की, उसको 9 महीने के बाद दी जाती है, जैसे कि 16 से 18 महीने पर, और DPT बूस्टर के साथ दिया जाता है। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट डोजेज है, जैसे कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की जो और रिमेनिंग डोजेज होती हैं, उनको एवरी 6 मंथ मतलब प्रत्येक 6 मंथ पर दिया जाता है 5 साल तक बच्चों को। और जो बच्चे सिक होते हैं उन्हें ऑल चिल्ड्रन विद जीरोपथैल्मिया टू बी ट्रीटेड एट हेल्थ फैसिलिटीज़, जो सिक बच्चे होते हैं जीरोपथैल्मिया के, उन सभी को जो हेल्थ फैसिलिटी होती है वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑल चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेजल्स टू बी गिवन 1 डोज ऑफ विटामिन ए इफ दे हैव नॉट रिसीव्ड इन द प्रीवियस 1 मंथ। मतलब जो बच्चे मेजल्स से सफ़र कर रहे हैं, अगर उन्होंने पहले के 1 महीने में डोज नहीं ली हुई है, देन उनको 1 डोज विटामिन ए की दी जाती है। ऑल केसेस ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन टू बी गिवन 1 एडिशनल डोज ऑफ विटामिन ए। और अगर बच्चे सीवियर माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, देन उनको 1 एडिशनल डोज दी जाती है विटामिन ए की। ये प्रोग्राम के अंदर में आता है। ये RDE है विटामिन ए का, जिसमें कि ग्रुप दिए हुए हैं एडल्ट्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एडोलसेंट के लिए। और ये रेटिनॉल की रिक्वायरमेंट है और ये बीटा कैरोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें लेनी होती है। ये हमारे लिए रिक्वायर्ड अमाउंट होता है और ये लेना मस्ट होता है। अब है कि टॉक्सिसिटी विटामिन ए की। अब इसमें भी 3 सिंड्रोम है। पहला है एक्यूट टॉक्सिसिटी, जो कि बहुत रेयर होता है और ये एडल्ट्स में अक्सर होता है। अगर वो 200 mg से अधिक लेता है, देन ये कॉज करता है एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है। सिम्टम्स में नौजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो और ब्लरी विजन हो सकता है। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी ये रेयर होती है और ये जब आप RDA जितनी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है, उससे 10 गुने से अधिक अगर डोज लिया जाता है और बहुत लंबे समय तक, देन क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि प्रॉब्लम इन टॉकिंग हो सकता है, हेयर लॉस, हाइपरलिपिडीमिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी, बोन एंड मसल पेन एंड विजन प्रॉब्लम, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इन पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड फ्रैक्चर रिस्क। और जो पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन होती हैं उनमें फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। और तीसरा है टेराटोजेनिक इफेक्ट। सिंथेटिक रेटिनॉइड कैन बी यूज टू ट्रीट सीवियर डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग सीवियर सोरेसिस एंड एक्ने वल्गैरिस। मीन्स सोरेसिस और जो एक्ने वल्गैरिस, इनको इन इस कंडीशन में, जो कि एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन होती है, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, कहा जा सकता है इसको ट्रीट करने में सिंथेटिक रेटिनॉइड लिया जाता है, इससे इसको सही किया जा सकता है। अब जैसे कि जो सिंथेटिक रेटिनॉइड है, जैसे कि एसीट्रेटिन, जो कि कॉज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, मीन्स ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, जिसको कि मिसकैरेज बोलते हैं, इससे मिसकैरेज हो सकता है। और कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन मीन्स बच्चा जो है जन्म से ही उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। विमेन ट्रीटेड विद रेटिनॉइड्स मस्ट नॉट गेट प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। और जो विमेन इस रेटिनॉइड को ले रही है, सिंथेटिक रेटिनॉइड को ले रही हैं, वो ट्रीटमेंट के टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं और बिकम प्रेग्नेंट फॉर अप टू 3 ईयर्स आफ्टर ट्रीटमेंट। प्रेग्नेंट कब हो सकती हैं? ट्रीटमेंट के बाद 3 साल तक जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। पेशेंट्स रिसीविंग ट्रीटमेंट विद रेटिनॉइड्स मस्ट नॉट गिव ब्लड फॉर अप टू 3 ईयर्स आफ्टर ट्रीटमेंट। और जो पेशेंट ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट के बाद
3 साल तक किसी को ब्लड नहीं दे सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दीज ड्रग्स इन प्लाज्मा कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर अप टू सेवरल ईयर्स आफ्टर अ पर्सन स्टॉप्स टेकिंग देम। और ये जो ड्रग्स हैं जो कि जो पर्सन ले रहा है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अगर ट्रीटमेंट बंद भी कर देता है, इन सिंथेटिक रेटिनॉइड को नहीं ले रहा है, वो उसने बंद कर दिया है, उसके बाद कई सालों तक प्लाज्मा में इन ड्रग्स को देखा जा सकता है। ये था विटामिन ए के बारे में। इसके आगे मैं अदर फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए देन आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।